अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोकड़िया नागपुर और वर्धा के 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। नागपुर आते ही उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए नारायण राणे से लेकर अफगानिस्तान तक के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राणे विषय में पूछने पर उन्होंने कहा कि राजनीति में ये चलता रहता है, चिंता मत करो, ये कभी गले लग जाएंगे, कभी झगड़ते रहेंगे और कभी घर में बैठकर खाना भी खा लेंगे। और जमाते उलेमा हिंद तीनों पर प्रतिबंध लगाना देना चाहिए। तबलीग जमात माने बड़ा भाई का कुर्ता और छोटा भाई का पजामा व तबलीग जमात, ये सभी तालिबान तबलीग जमात के मदरसों की पैदाइश है और भारत के नागपुर में की भी हर गली में हर जगह उनकी मस्जिद, उनके मदरसा मौलवी है। तो केंद्र सरकार तुरंत ये तीनों पर प्रतिबंध लगाए तो आने वाले भारत का तालिबानीकरण बच सकता है। अफगानिस्तान के एक भी मुस्लिम अफगान को भारत में शरण नहीं देनी चाहिए, सभी हिंदू सिखों को देनी चाहिए। फ्रांस ने ऐसे ही नाइजीरिया बाकी देशों के मुसलमानों को शरण दी। हमें अफगान शरणार्थी मुसलमान की भावी पीढ़ियां यहाँ के पुलिस की कत्ल करे नहीं चाहिए। एक भी अफगान मुस्लिमों को भारत को शरण नहीं लेना चाहिए। उनके शरण देने के 44 मुसलमान देश है। यदि तुर्कस्तान ने अफगान मुसलमानों के लिए अपनी बॉर्डर बंद कर दी है तो भारत सरकार को अपनी बॉर्डर अफगान मुस्लिमों के लिए नहीं खोलनी चाहिए। अफगानिस्तान के मुद्दे पर उनका कहना था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवादियों का शासन खत्म किया और बराबर 20 वर्षों के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अब भारत को सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि तालिबान विचार का केंद्र भारत में है। भारत में दारुल और देवबंद जो यूपी में है, तबलीग जमात इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया में है और जमाती उलेमा हिंद ये तीनों दुनिया के सस देश में तालिबानी विचार का केंद्र है। तो अब आतंकवादी खतरा भारत को है और भारत को यह खतरे से निपटने का सब मिलकर प्रयास करना चाहिए। तालिबान को निपटने के लिए भारत को सबसे पहले समझना चाहिए कि तालिबान यह विचार है, तालिबान व्यक्ति नहीं है और यह विचार है तो विचार का केंद्र भारत में है। तबलीग जमात बड़ा भाई का कुर्ता और छोटा भाई का पैजामा व तालिबान जमात तबलीग जमात में मदरसों की पैदाइश है। भारत के नागपुर में भी हर गली में हर जगह उनके मस्जिद, उनके मदरसा मौलवी है। तो केंद्र सरकार तुरंत तीनों पर प्रतिबंध लगाए तो आने वाले भारत का आपका तालिबानीकरण बच सकता है। अफगानिस्तान के एक भी मुस्लिम को भारत में शरण नहीं देनी चाहिए, सभी हिंदुओं सिखों को शरण देनी चाहिए। फ्रांस ने ऐसे ही नाइजीरिया बाकी देशों के मुसलमानों को शरण दी। आज उनकी तीसरी पीढ़ी फ्रांस की पुलिस का कत्ल करी है। हमें अफगान शरणार्थी मुसलमान की भावी पीढ़ियां यहाँ की पुलिस की कत्ल करी। हमें अफगान शरणार्थियों की नहीं पाइए, उनके शरण देने के 44 मुसलमान देश हैं। यदि तुर्किस्तान ने मुसलमानों के लिए अपनी बॉर्डर बंद कर दी है तो भारत सरकार को अपनी बॉर्डर अफगान मुस्लिमों के लिए नहीं खोलनी चाहिए। और राम मंदिर का हीरो तो दो ही है, अशोक सिंगल बाला साहेब ठाकरे और तीसरे कल्याण सिंह को वहां के पुलिस चीफ ने 6 दिसंबर को कहा कि कार से ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दो। मैं भी अयोध्या में था, कल्याण सिंह ने कहा गोली नहीं चलेगी और 4:30 बजे बाबरी ढांचा ढह गया। कल्याण सिंह ने अपने हाथों से अपना मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राम को पसंद किया, अपनी कुर्सी छोड़ दी। स्वतंत्र भारत में राम मंदिर के 3 ही नायक है, अशोक सिंगल, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और कल्याण सिंह। शिवसेना और भाजपा में जो भी तनाव, राम मंदिर निर्माण को लेकर उनका कहना था कि राम मंदिर का हीरो तो अशोक सिंगल, बाला साहेब ठाकरे, कल्याण सिंह है। पुलिस ने 6 दिसंबर को कहा कि कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दो तो कल्याण सिंह ने कहा बोली नहीं चलेगी। बाबरी ढांचा ढह जाने के बाद या कल्याण सिंह ने अपने हाथों से अपना मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राम को पसंद किया, अपनी कुर्सी छोड़ दी। स्वतंत्र भारत में राम मंदिर के 3 ही नायक हैं, अशोक सिंगल, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और कल्याण सिंह। अरे राजनीति में चलता रहता भाई, चिंता मत करो, कभी गले लग जाएंगे, कभी झगड़ते रहेंगे, वो उद्धव जी होंगे, नारायण राणे होंगे, सबका चलता रहता है, वो चिंता मत करो, वो घर में बैठकर खाना भी खा लेंगे। तो
कारण है कि आपको लगता है विपक्ष को? कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।